हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैथ का। काफी बच्चे इसको इग्नोर करते हैं क्योंकि उनको कंफ्यूजन रहता है इसके टॉपिक्स में, इसके क्वेश्चंस में। तो वो सोचते हैं कि एक ही क्वेश्चन आएगा तो इस चीज को पढ़ना ही छोड़ देते हैं वो। जबकि आपको पता है कि IBPS, RRB, PO और क्लर्क का अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस दोनों एग्जाम्स में से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप किसी भी सिंपल टॉपिक को छोड़ के आ जाएंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इसके बस एक दो कॉन्सेप्ट हैं, इसको आपको अगर क्लियर हो गया तो आपको कभी भी इसके क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, पढ़ना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोशन और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोशन की क्लास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी वीडियो हमारी स्पेशली IBPS, RRB, PO और क्लर्क लेवल के लिए है। अगर आप इन दोनों एग्जाम्स में से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो इस पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। आज की वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी लेता हूं कि प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में आपके, आज की वीडियो में जो है वो मैं आपको बॉल वाले क्वेश्चंस कराऊंगा, जो जैसे एक बैग में चार बॉल लाल कलर की है, तीन बॉल पीली कलर की है, दो बॉल नीली कलर की है, तो उसमें से निकालने वाला जो होता है, चाहे वो रैंडमली निकालिए या फिर एक साथ निकालिए, उस टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा। और मैं गारंटी लेता हूं कि आज की वीडियो देखने के बाद आपको ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चंस करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बता दूं, क्योंकि जो क्वेश्चंस होंगे वो कॉन्सेप्ट के ऊपर ही आधारित होंगे। तो कॉन्सेप्ट आपका सभी किसी भी टॉपिक का अगर आप क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं तो उसके पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको जानना जरूरी होता है। तो सबसे पहले आपको प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक सूत्र है यानी कि प्रायिकता का जो सूत्र है वो आपको पता होना चाहिए कि प्रायिकता का मेन जो हमारा सूत्र होता है वो क्या होता है। तो प्रोबेबिलिटी को हम यहाँ पे पी से डिनोट करते हैं। पी बराबर होता है आपका, यानी कि प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल, यहां पे ध्यान दीजिएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या। आपने पढ़ा होगा लेकिन यहां पे आप देखेंगे जब मैं क्वेश्चंस करूंगा तो उसमें बहुत ज्यादा मैं आपको इंसिस्ट नहीं करूंगा कि आप सूत्र लगाइए, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक से आप सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अनुकूल परिणामों की संख्या और बटे क्या हो जाएगा, आपको पता होगा अगर आपने कभी भी प्रायिकता पढ़ी है तो आपको पता होगा ये बेसिक उसका सूत्र होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे परिणामों की कुल संख्या, परिणामों की कुल संख्या। ये होता है इसका सूत्र, क्योंकि अगर आप प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं तो आपको प्रोबेबिलिटी का बेसिक जो फॉर्मूला है वो होता है वो पता होना चाहिए। यहां पे ये होता है इसका बेसिक सूत्र। अगर इसको इंग्लिश में कहें तो इसको इंग्लिश में कह देंगे, ऊपर जो अनुकूल परिणामों की संख्या है इसको कहते हैं हम नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन, और परिणामों की कुल संख्या मतलब की टोटल पॉसिबल कंडीशन या फिर केसेस। यह होता है इसका सूत्र। अब इसके बाद यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो प्रोबेबिलिटी होती है यानी कि जो प्रायिकता होती है उसकी जो वैल्यू होती है पी की, वो आपका कभी भी जीरो से कम नहीं होगा और एक से ज्यादा नहीं होगा, वो जीरो और वन के बीच में ही बिलोंग करेगा पी की जो प्रायिकता की जो वैल्यू है, इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा। अब प्रायिकता के जो प्रश्न होते हैं उसमें हमको एक चीज और आपको पता होनी चाहिए, जो क्रमचय संचय होता है उसमें से जो संचय का सूत्र होता है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि संचय का अगर आपको सूत्र नहीं पता है तो प्रायिकता आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ, बस 5 मिनट दीजिएगा। स्टार्टिंग के 5 मिनट अगर आप यहाँ पे बेसिक, यहाँ पे जो इसका कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान से देख लेते हैं तो आप इसके क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कॉम्बिनेशन उसको कहते हैं, यानी कि संचय को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कहते हैं क्रमचय संचय को, तो संचय को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन हो गया, इसको कहते हैं क्या, संचय। अब संचय का भी सूत्र आपको पता होना चाहिए, संचय का सूत्र होता है NCR। अब यहां पे आपको ये लग रहा होगा कि NCR क्या है, तो पहले इसका मैं सूत्र दिखा देता हूं उसके बाद मैं बताता हूं कि N क्या है और R क्या है। तो फैक्टोरियल है N और नीचे क्या है, फैक्टोरियल N-R, ये पूरा का पूरा फैक्टोरियल के अंदर है, और फैक्टोरियल R, ये इसका सूत्र होता है, ठीक, कॉम्बिनेशन का यानी कि संचय का। अब यहां पर जो N है ये आपका जो यहाँ पे कुल संख्या है परिणामों की, वो आपका मतलब कुल संख्या, यहाँ पे अगर लिख दें इसको तो ये गलत नहीं होगा, कुल संख्या। और R जो है वो कुल संख्याओं में से जो हम जितने भी सेलेक्ट हमको करने हैं, यानी कि छांटने
के लिए, मतलब कुल संख्याओं में से हम अगर जो संख्या हमको चूज करना है वो आर हो जाएगा, और कुल संख्याओं को हम यहाँ पे एन से डिनोट करते हैं, यानी कि जो यहाँ पे एन सी आर का सूत्र है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर और फैक्टोरियल आर। अब यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा कि फैक्टोरियल एन क्या है, फैक्टोरियल एन माइनस आर क्या है, तो फैक्टोरियल का अगर आपको नहीं पता है कंडीशन तो वो भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे, कि जैसे यहाँ पे फैक्टोरियल एन की जगह पे अगर हम इसको फैक्टोरियल एन की वैल्यू रख देते हैं चार, तो फैक्टोरियल चार हो गया। तो फैक्टोरियल चार का मतलब होता है कि चार से लेके जितना भी छोटी संख्याएं होती हैं उसका सभी का गुणा, यानी कि चार गुणे तीन गुणे दो गुणे एक। अगर पांच है फैक्टोरियल में तो यही हो जाएगा, पांच गुणे चार गुणे तीन गुणे दो गुणे एक, ये होता है फैक्टोरियल और कुछ नहीं होता। फैक्टोरियल पहले इतना बड़ा गुणा करना पड़ता था लोगों को, इसलिए बाद में एक साइंटिस्ट आया, उन्होंने इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर दिया, तो ये छोटा सा लिखा जाता, पहले इतना बड़ा लिखना पड़ता था पांच गुणे चार गुणे तीन गुणे दो गुणे एक, तो इसको ये इस तरीके से फैक्टोरियल में कर दिया, लिखने की सुविधा के लिए इसको फैक्टोरियल बना दिया गया था। तो ये हो गया फैक्टोरियल। अब इसके बाद कुछ ऐसे यहाँ पे कॉम्बिनेशन होते हैं जिसकी वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, उसमें से तीन चीजें होती हैं, उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे होता है एन सी जीरो, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट बोल सकते हैं, इसकी वैल्यू होती है एक। अब इसका एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो आप एन की जगह कुछ भी वैल्यू रख दीजिए, पांच रख दीजिए, फाइव सी जीरो कर दीजिए, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक ही आएगी। फोर सी जीरो कर दीजिए तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू भी एक आएगी। तो यहाँ पे आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि एन सी जीरो की वैल्यू होती है एक। अब एन की जगह कोई भी संख्या आ जाएगी, अगर नीचे बेस में आर की जगह जीरो है तो उसका आंसर आएगा एक। ये तो पहला था। अब इसके बाद दूसरा क्या होता है यहाँ पे, एक और होता है एन सी एन, मतलब ऊपर जो वैल्यू है एन की आर की जगह पे भी वही वैल्यू है, तो इसका भी क्या मान आता है, इसका मान भी एक आता है। यानी कि अगर यहाँ पे कह दिया जाए एट सी एट तो इसका मान कितना आएगा, एक आएगा। यानी कि जो बेस में है और जो ऊपर है दोनों का मान अगर समान है, यानी यहाँ पे अगर कर दीजिए 100 सी 100 तो इसका मान भी एक आएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे इसलिए मैं बता रहा हूँ इस चीज को, क्योंकि कभी कभी प्रश्न में आपको देखने को मिल जाता है डायरेक्ट चीज, तो वहां पे आप सॉल्व करके अपना समय मत बर्बाद करिएगा, उसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। और एक चीज और लास्ट यहाँ पे मैं बता दें कि एक चीज और बचा है, उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें होता है एन सी वन, एक यहाँ पे इस तरीके से भी आ सकता है ना एन सी वन, तो यहाँ पे जो इसका मान आएगा वो एन आएगा, यानी कि जो ऊपर रहेगा वैल्यू वही उसका मान हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए सेवन सी वन है अगर, तो इसका मान कितना आएगा, इसका मान आएगा सात। 99C1 है तो इसका मान कितना आएगा, 99। जो बेस में अगर 1 है ऊपर n की जगह जो भी होगा वही वैल्यू इसका मान हो जाएगा। तो ये तीन चीजें थी, इस तीन चीजों को ध्यान से समझ लीजिएगा। अभी मैंने आपको क्या बताया, ये तीन चीजें बताई NC0, NCN और NC1। NC0 NCN का कोई भी इस तरह से दिखेगा तो उसका मान एक होगा, और NC1 का मतलब इस तरीके से अगर 7C1 की तरह दिखेगा कोई वैल्यू तो उसका मान वही जो n की वैल्यू होगी वही उसका मान हो जाएगा। तो अभी तक मैंने वीडियो में बताया आपको ये तीन चीजें बताई हैं, उसके पहले मैंने आपको संचय का सूत्र बताया है, और उसके पहले मैंने आपको क्या बताया है, प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता का सूत्र। तो ये इतना था पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट, आपने 7 मिनट में ये सारी चीजें देख ली हैं। तो अब दोस्तों आपको आशा करता हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा अगर आपने ध्यान से अभी तक की वीडियो देखी है। अब चलते हैं प्रश्न के ऊपर, तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। अब फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पे पहला क्वेश्चन, थोड़ा सा तेजी से समझने की कोशिश करिएगा और प्रश्नों को थोड़ा सा फास्ट पढ़ने की कोशिश करिएगा तेजी से। यहाँ पे देखिए प्रश्न बोल रहा है एक बैग में चार हरे, इसको लिखते जाइए, यहाँ पे हरों को मैं ग्रीन लिख दे रहा हूँ जी से, फोर ग्रीन पांच नीले यानी कि पांच ब्लू, और दो लाल हैं यानी कि दो रेड बॉल हो गई, और तीन पीली हैं यानी कि तीन येलो हो गई। ये आपके एक बॉक्स में यानी कि एक बैग में इतनी बॉल है। ठीक, यदि चार गेंदों को यादृच्छिक रूप से निकाला जाए प्रत्येक रंग की गेंदों के समान संख्या के में होने की प्रायिकता क्या है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इतनी गेंदे आपके पास है, ये सारी गेंदे मिला दे तो कितनी गेंदे हैं, 5, 4, 9, 2, 11 और 3, 14 बॉल हैं आपके पास एक बैग के अंदर। ठीक, उसमें से आपको चार बॉल निकालनी है, एक बॉक्स ऐसे बना दिया गया है इसमें 14 बॉल है। ठीक, इसमें से क्या करना है, चार बॉल निकालना है, चार बॉल इसमें से निकालना है। तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि सूत्र क्या है प्रायिकता का, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बटे में क्या है, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो यहाँ पे फेवरेबल की जगह पे तो अभी क्लियर कर रहे हैं, अभी यहाँ पे टोटल आउटकम्स का मतलब जो है यहाँ पे 14 गेंद है जिसमें से हमको चार निकालना है, यानी कि हमारा जो टोटल है यही तो है, ये आपका नीचे आ जाएगा यानी कि 14। अब संचय का यहाँ पे सूत्र लगाना पड़ेगा 14C4। अब आपको नंबर ऑफ फेवरेबल यानी कि जो यहाँ पे अनुकूल
आपकी संख्या होंगी, अनुकूल स्थितियां वो कितनी होंगी, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम आपके होंगे, आपको निकालना कितना है, चार गेंद निकालना है और बोल रहा है कि सभी गेंद समान हो, यानी कि चार गेंद निकालना है और चार तरीके की, चार कलर की गेंदे हैं, समान होने की क्या प्रायिकता होगी, एक एक गेंदे सबके में से आएंगी, यानी कि हरे बॉल रंग की गेंद भी एक आएगी, नीले रंग की गेंद भी एक आएगी और लाल रंग की गेंद एक आएगी और पीले रंग की एक गेंद आएगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि पहले सबसे पहले हरी गेंदों के एक होने की यहाँ पे क्या प्रायिकता होगी, 4C1। अब यहाँ पे अब काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा यानी गुणा होगा या फिर जोड़ होगा, तो यहाँ पे अभी मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। यहाँ पे गुणा होगा, इसको लिख देता हूं मैं। हरी गेंदों में से हमने एक गेंद निकाल लिया, अब नीली गेंदों में से एक निकालेंगे, यानी कि पांच नीली गेंदे थे उसमें से एक निकालेंगे तो 5C1 हो जाएगा। गुणे क्या होगा, दो लाल गेंदे थी उसमें से एक निकालना था, 2C1 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा, तीन पीली गेंदे थी, 3C1 हो जाएगा। ये आपका पूरा यहाँ पे बनके तैयार हो गया। अब यहाँ पे गुणा क्यों हुआ है और जोड़ क्यों होता है, किसी किसी क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि गुणा होता है और किसी किसी क्वेश्चन में जोड़ देते हैं, इसीलिए इन दोनों कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे जोड़ होगा कहाँ पे गुणा होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि गुणा कब हो रहा है, अभी आपका यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा किए हैं तब जाके एक आपका क्वेश्चन कम्प्लीट हुआ है, एक कंडीशन कम्प्लीट हुआ है। अगर यहीं पे अगर 4C1 करने पे एक कंडीशन आपका कंप्लीट हो जाता, फिर दूसरे तरीके से आप बॉल निकाल रहे हैं, दूसरा कंडीशन यहाँ पे आ जाता तो वहां पे प्लस आ जाता। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि 4C1 से लेके 3C1 तक अभी आपका क्वेश्चन यहाँ से लेके यहाँ तक कर रहे हैं तब कंप्लीट हो रहा है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही कंडीशन है, अलग कंडीशन नहीं हुआ है। जब अलग कंडीशन होता है तब जोड़ देते हैं दोनों कंडीशन को, जब एक ही कंडीशन के अंदर की बात हो रही है, जब अभी यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे जाके खत्म हुआ है, इसके बीच में कहीं नहीं खत्म हुआ है, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा यानी कि गुणा होगा। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अगर बेस में 1 है तो क्या करेंगे, अगर नीचे 1 है बेस में तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू यहाँ पे जो ऊपर लिखा गया वही वैल्यू हो जाएगी इसकी, यानी कि 4C1 की का मान हो जाएगा 4, 5C1 का मान हो जाएगा 5, 2C1 का मतलब हो जाएगा 2, 3C1 का मतलब हो जाएगा 3। इसको लिख लेते हैं अलग यहाँ पे आगे फिर से करके। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 4 लिख देंगे इसको, 4 × 5 × 2 × 3 और बटे में क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे 14C4 लिखा है ना, तो इसको 14C4 को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको कितना खोलेंगे, जो ऊपर लिखा गया है और जो नीचे लिखा गया है, ऊपर वाले को नीचे वाले के बराबर खोल दीजिए, यानी कि 14 को 4 बार खोल दीजिए, उससे ज्यादा खोलने की जरूरत नहीं है। 14 × 13 × 12 × 11 यानी कि देखेंगे 14 एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार खोल दिया, चार बार यहाँ लिखा था तो चार बार खोल दिया, और बटे में क्या हो जाएगा, 4 को पूरा खोलेंगे, 4 × 3 × 2 × 1। अब यहाँ पे देखिए तो क्या किससे किससे कौन सा कटेगा, ऊपर पहले गुणा करके लिख लेते हैं, 5 × 20 × 60 × 20 × 40 और 120, यानी कि ऊपर 120 आ गया, नीचे क्या हो जाएगा, एक का तो कोई मतलब नहीं है। अब दो से कट करेंगे तो यहां से यहाँ पे 6 बचेगा, इसको कट करेंगे अगर तो यहाँ पे देखेंगे ये 2 कट गया, अब यहां से 3 से ये कट जाएगा 2 बार, यहां सिर्फ 2 बचेगा, अब 2 से इसको कट करेंगे तो 2 बचेगा, 2 से इसको कट करेंगे तो यहां 7 बचेगा, यानी कि कितना जाएगा, 7 × 13 × 11। अब फिर से अब कुछ नहीं बचा है, ऊपर 120 लिख दीजिए जैसे था वैसे लिख दीजिए, नीचे कितना होगा, 13 × 11 कितना होगा, 13 × 10 होता है 130, एक और उसमें जोड़ देंगे 13 तो 143 हो जाएगा, यानी कि 7 × 143 हो जाएगा ये। अब इसका कैसे गुणा करेंगे, ऊपर 120 लिख लीजिए जैसे का तैसे लिख लीजिए, 7 का गुणा करेंगे 3 में तो कितना आएगा, यहाँ पे 21 आएगा, 7 × 21 कैरी गया कितना, 2, 7 × 28 = 2 = 30 कैरी गया 3, 7 × 7 = 10 यानी कि आपका आंसर कितना आ गया, 120/1001। अब इतनी ही एक ही स्टेप में आपको गुणा भाग करना है, नहीं तो काफी टाइम लग जाएगा, और अगर आप IBPS RRB खासतौर से तैयारी कर रहे हैं तो आप वहां पे टाइम इन्वेस्ट गलत जगह पे नहीं कर सकते। तो एक ही स्टेप में यहाँ पे मैंने आपको समझाना था इसलिए यहाँ पे 2 स्टेप में किया है, लेकिन अगर वहां पे करेंगे तो यहीं पे सारी चीजें आप करके आंसर निकाल लेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया और इसमें समझ में आ गया कि कहाँ पे गुणा होता है, यहाँ पे कहाँ पे गुणा होता है और कहाँ पे जोड़ते हैं। अगर अभी भी नहीं समझ आया तो आगे वाले क्वेश्चन में दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिया हुआ है कि जहाँ पे जोड़ना होता है आपको, यहाँ पे जैसे गुणा किया गया तो वहां पे आपको जोड़ के दिखाऊंगा कि कैसे कहाँ पे जोड़ेंगे कहाँ पे गुणा करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। अब दोस्तों देखिए दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोगों के सामने, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बैग में 3 लाल 6 काली गेंदे हैं, 2 गेंदों को यादृच्छिक रूप से यानी कि रैंडमली, यादृच्छिक मतलब होता है रैंडमली, यहाँ कोई चूज नहीं कर रहे हैं कि इसी कलर की गेंद हमको अभी देख के निकाल रहे हैं, बिना देखे रैंडमली गेंदों को निकाला जा रहा है और बिना प्रतिस्थापित किए हुए, यहाँ पे इस चीज को ध्यान दीजिएगा,
बिना प्रतिस्थापित किए हुए का मतलब होता है इंग्लिश में विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि जब आप एक बॉल निकाल, दोनों बॉल को, इससे ये चीज पता चल रही है कि एक बॉल आप एक बार में एक गेंद निकाल रहे हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में क्या किए थे, आप चार गेंदे निकाले थे एक साथ, लेकिन इसमें क्या है, एक गेंद निकाल रहे हैं एक बार में और उसको वापस बैग में नहीं रख रहे हैं, उसके बाद दूसरी गेंद निकाल ले रहे हैं उसमें से। तो इसी का मतलब यहाँ पे प्रतिस्थापित किए हुए से ये पता चल रहा है कि हम एक बार में एक गेंद निकाल रहे हैं और उसके बाद कैसे निकालना है, यदि पहली गेंद लाल है तो इसकी प्रायिकता क्या है कि दूसरी गेंद भी लाल होगी। तो चलिए दोस्तों जल्दी से इसको करने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने जैसे आपको समझाया, बस यहाँ पे प्रतिस्थापित वाला कंडीशन जो है उससे चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, कि यहाँ पे तीन लाल गेंदे हैं यानी कि थ्री रेड लिख दिया इस तरीके से, और छह काली हैं तो छह ब्लैक लिख लिया, सिक्स भी मतलब छह काली गेंदे हैं और तीन लाल गेंदे हैं रेड। अब दो गेंदों को इसमें से निकालना है, टोटल गेंदे कितनी है आपके पास, छह तीन नौ, टोटल ये हो गया आपका नौ। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे एक बार में एक बॉल को निकालना है, यानी कि हमको नीचे जो हमारा टोटल आउटकम होगा वो क्या होगा, 9C1, ठीक। और ऊपर क्या हो जाएगा, लाल की हमारी जो हमको प्रायोरिटी निकालनी है, यानी कि हमको ब्लैक से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3C1। एक बॉल निकालनी थी, दोनों गेंद एक साथ नहीं निकालना है, ये हो जाएगा। अब एक तो कंडीशन ये हो गया आपका, और दूसरा कंडीशन क्या बनेगा, जब एक बॉल निकल जाएगी बैग से, उसको वापस बैग में नहीं डालेंगे, तो अब बैग के अंदर कितना बॉल बचा, पहले नौ था अब आठ ही बचेगा, यानी कि नीचे क्या आ जाएगा, 8C1। फिर से एक गेंद निकाली थी तो अब आठ गेंदे बची, उसमें से एक गेंदे निकालनी हमको, ये कर लेंगे। अब ऊपर कैसे निकालेंगे, दो लाल गेंदे थी जिसमें से एक निकाल चुके हैं, तो अब कितने बचेंगी, तीन गेंदे थी शुरुआत में, उसमें से एक निकालनी है तो दो बचेंगी, यानी कि दो में से हमको एक निकालनी है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 2C1/8C1। अब यहाँ पे गुणा होगा कि भाग होगा, यहाँ पे भी आप गुणा होगा या फिर जोड़ होगा, यहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन होगा कि जो यहाँ से वैल्यू आएगी यहाँ से वैल्यू आएगी, कहिए तो पहले इसको लिख लेते हैं कि कितनी वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे जो मान लिखा गया है यही मान आएगा, मैंने बताया था NC1 का मान होता है N, यहाँ पे तीन हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, नौ हो जाएगा, 3/9। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, आठ हो जाएगा, 8C1 का मान आठ हो जाएगा। अब यहाँ पे गुणा होगा कि जोड़ होगा आपको बताना है कि यहाँ पे क्या क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया है, एक कंडीशन क्या यहाँ पे खत्म हो गई है, अगर खत्म हो जाएगी तो यहाँ पे जोड़ होगा, अगर क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि एक कंडीशन जैसे ही कंप्लीट होगी दूसरे कंडीशन को अगर उससे अटैच कर रहे हैं तो वहां जोड़ना होगा, लेकिन अगर अभी यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, एक कंडीशन खत्म नहीं हुआ है, इसको लेके पूरा कंडीशन बन रहा है, तो इसके बीच में गुणा होगा जिस तरीके से इस क्वेश्चन में दिया गया है। इस क्वेश्चन को लेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि दोनों जो गेंदे हैं हमारी लाल होने की क्या संभावना है। तो इसको कैसे करेंगे, 1/3 हो जाएगा, यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, यानी कि क्या बचेगा, 1/3 1/4, यानी कि 1/12 आ जाएगा आपका आंसर। तो फ्रेंड्स ये था दूसरा क्वेश्चन, आशा करता हूं आपको दूसरा क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। अब फ्रेंड्स देखिएगा तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक बैग में नौ लाल, सात सफेद और चार काली गेंदे हैं। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, 9R+7W यानी कि 7 सफेद + 4 ब्लैक, चार काली गेंदे हैं, टोटल कितनी हो गई, 7×4=11 और 9=20, टोटल बॉल 20 है आपके पास। अब उसमें से आपको क्या करना है, उसके बाद कंडीशन दिया जाएगा, यदि दो गेंदों को यादृच्छिक रूप से निकाला गया तो एक गेंद के सफेद और दूसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता क्या है। अभी तक जो दोनों क्वेश्चन किए उसमें एक ही कलर की बॉल निकली थी आपकी, अब इसमें क्या बोल रहा है कि पहली गेंद दूसरे कलर की हो, यानी कि पहली गेंद सफेद कलर की हो और दूसरी जो गेंद है वो लाल कलर की हो, तो सफेद गेंद कौन सी है, 7 गेंदे हैं सफेद 9 गेंदे हैं लाल। अब ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, इसको जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। टोटल आउटकम आपको पता है कि दो गेंदे निकालनी है 20 में से, तो आपको ये तो पता है कि नीचे क्या होगा, 20C2 हो जाएगा ये। उसके बाद क्या है, पहली गेंद जो है पहली गेंद वो सफेद होनी चाहिए, यानी कि 7C1। अब इसके बाद इसमें देखिए यहाँ पे जोड़ होगा कि गुणा होगा ये भी आपको बताना है, और दूसरी गेंद लाल होनी चाहिए, यानी कि 9 में से 1 गेंद निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे भी इसको और इसको मिला के हमारी दोनों गेंद निकल रही है, यानी कि इस दोनों को मिला के हमारा एक कंडीशन पूरा हो रहा है, यानी कि यहाँ पे भी गुणा होगा। अब गुणा करते हैं जल्दी से, 7 ऊपर है तो 7 लिख लेंगे, 7C1 था इसका मैंने आपको बता दिया है कि जो ऊपर होगा एन की वैल्यू वही हो जाएगा, 9×7 हो जाएगा ये, और नीचे क्या हो जाएगा, 20 को हम कितनी बार खोलेंगे, 2 बार खोलेंगे। यहाँ पे देखिए 20 में आर की जगह 2 है, यानी कि 20 को हम 2 बार खोलेंगे, 20×19 हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा, 2×2=1, इससे पूरा से ये कट जाएगा तो यहाँ 10 आ जाएगा, यानी कि इसको एक ही स्टेप में करेंगे तो 9×7=63/10×19=190, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितनी फास्ट इसका आंसर आ गया, 63/190।
तो आशा करता हूँ आपको तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों चौथा क्वेश्चन जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें आपको जोड़ वाला कंडीशन में बताऊंगा कि जोड़ कहाँ पे लगाया जाता है। अभी तक तो आपने देख लिया कि गुणा कहाँ पे लग रहा है, अब जोड़ कहाँ पे लगाया जाएगा चौथे क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने चौथा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिएगा, सोचिएगा कि अंतर क्या है अभी के तीनों क्वेश्चन में और इसमें अंतर क्या है। एक बक्से में दो पीली गेंदे, तुरंत लिखते हैं, दो पीली मतलब टू वाई येलो, प्लस तीन काली गेंदे यानी कि तीन ब्लैक, प्लस चार ये प्लस मैंने इसलिए लिखा है कि अपने समझने के लिए, टोटल जोड़ने के लिए मैं आपको लिख रहा हूँ, इस तरीके से लिखना जरूरी नहीं है, आप मन में ही कर सकते हैं इसको। चार लाल गेंदे यानी कि फोर रेड, टोटल गेंदे कितनी होगी, चार तीन सात दो नौ, टोटल बॉल होगी नौ। ठीक, इसको इसलिए प्लस लिखता हूँ कि आपको टोटल बॉल पता चल जाए, इसलिए इसको आप मन में भी जोड़ सकते हैं, चार तीन सात दो नौ, लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें से तीन गेंदों को एक साथ निकाला जाए, यानी कि इसमें रैंडमली निकालना है लेकिन एक साथ निकालना है, एक एक करके नहीं निकालना है। तो निकाली गई गेंद में एक ही रंग के होने की प्रायिकता क्या होगी, यानी कि जो हम तीन गेंद निकाल रहे हैं उसमें तीनों गेंद एक ही कलर की हों, इसकी प्रायिकता क्या है आपको बतानी है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप ध्यान आपका जाएगा तो यहाँ पे दो पीली गेंदे हैं। ठीक, जब दो पीली गेंदे हैं तो इसमें से इसकी प्रोबेबिलिटी तो हो नहीं सकती कि दो ही हमारे पास पीली गेंदे हैं और तीन गेंदे निकालनी है जिसमें तीनों गेंदों की एक ही कलर होने की संभावना है। तो यहाँ पे ये पीली वाली गेंद हमारी छूट जाएगी, क्योंकि हमको पीली दो ही गेंद है तो दो ही गेंद निकाल सकते हैं अधिक से अधिक। अब यहाँ पे हमारा बचेगा क्या, तीन काली गेंदे और चार लाल गेंदे। अब इसी के ऊपर हमारा पूरा क्वेश्चन है, अब देखते हैं यहाँ पे कैसे करेंगे। अब टोटल आपको कितना निकालना है, नाइन बॉल्स में से तीन बॉल निकालनी, यानी कि नाइन सी थ्री हो जाएगा टोटल में, नीचे आ जाएगा आपका। और ऊपर क्या होगा आपका, ऊपर बोल रहा है इनमें से तीन गेंदे निकालनी है जिसमें से तीनों में से एक ही, मतलब तीनों की एक ही रंग के होने की संभावना क्या है। तो पहले तो हम निकाल लेंगे, तीन काली गेंदे हैं तो इसकी भी तीन संभावना बनती है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे इसको थ्री सी थ्री, और लाल की तीन गेंद निकालने की संभावना क्या हो जाएगी, फोर सी थ्री। अब यहाँ पे आप बताइए यहाँ पे प्लस होगा या फिर गुणा होगा। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हमने जब इस चीज को निकाल लिया तो हमारा एक कंडीशन पूरा हो गया, तीन गेंदे निकालनी थी, हमने तीन काली गेंदों में से तीन काली गेंदे निकाल ली एक ही कलर की, तो यहाँ पे हमारा एक कंडीशन पूरा हो गया। जब पूरा हो गया तो यहाँ पे हमारा दूसरा कंडीशन ये आ गया, हम चार लाल गेंदों में से तीन, अब तीन गेंदे निकाल रहे हैं उसी कलर की, तो यहाँ पे ये अलग कंडीशन है, ये अलग कंडीशन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जोड़ आ जाएगा। आशा करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे गुणा का चिन्ह लगेगा और कहाँ पे जोड़ का चिन्ह लगेगा। बस अब कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में भी, थ्री सी थ्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपको पता है एन सी एन की वैल्यू क्या होती है, वन होती है। ठीक, मैंने स्टार्टिंग में आपको वीडियो में बताया था, तो इसका वैल्यू वन हो जाएगा। और फोर को आप क्या करेंगे, चार को तीन बार खोल दीजिए, चार गुड़े तीन गुड़े दो, जितना भी मान आर का है उतनी बार ऊपर वाले को एन को खोल दीजिए। और नीचे क्या होगा, तीन गुड़े दो, तो ये तीन गुड़े दो से तीन गुड़े दो कट जाएगा। अब इसके पूरे के नीचे क्या बचा, नाइन सी थ्री का, नौ को तीन बार खोल दीजिए, नौ गुड़े आठ गुड़े सात, और बटे में क्या होगा, तीन को तीन बार खोल दीजिए, तीन गुड़े दो गुड़े एक। ठीक, ऊपर क्या बचा, ऊपर कुछ नहीं बचा, यहाँ पे चार था यहाँ पे एक था, यानी कि जुड़ के क्या हो जाएगा, ये चार एक पांच हो जाएगा। ठीक है, पांच हो गया। और नीचे क्या बचा, ध्यान से देखिएगा, दो से हम कट कर दिए आठ को तो चार बचा, तीन से कट कर दिए नौ को तो तीन बचा, यानी कि तीन गुड़े चार गुड़े सात। ठीक, अब इसको यहीं पे कर देते हैं खत्म, पांच गुड़े सात चौक अट्ठाईस होता है, अट्ठाईस दिया चौरासी, ये हो गया आपका आंसर, पांच बटे अट्ठारह इस क्वेश्चन का आंसर था। तो इस क्वेश्चन को मेरा यहाँ पे रखने का यही मकसद था कि आपको कंफर्म हो जाए कि कहाँ पे प्लस लगाते हैं और कहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज के चारों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और जो प्रायिकता का यानी कि प्रोबेबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया होगा। अब जब मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो उसमें मैं हाई क्वालिटी के हाई लेवल के क्वेश्चन लाऊंगा, जो पीओ लेवल के क्वेश्चन होते हैं, इसको अगर आप देखेंगे तो ये क्लर्क लेवल का क्वेश्चन था, तो इस चीज को पढ़ना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर आप पीओ लेवल के क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो क्लर्क लेवल के क्वेश्चन पे आपको महारत हासिल करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले इस चीज को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब जब मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा प्रायिकता की तो उसमें हाई लेवल के क्वेश्चन लाऊंगा। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे फेसबुक पे या फिर आप मोबाइल के थ्रू अगर इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं उनके साथ तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए इस लिंक को। और अगर आप अभी तक रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब बटन पर क्लिक नहीं किए तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।